हम एक और भी टेस्टामनी सुनेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष। तोष, संतोष। और ये लुधियाने से आप आए हो? हाँ, लुधियाने से। हाँ, आपको प्रभु में आए हुए कितना टाइम हो गया? आपको प्रभु में आए हुए? प्रभु में, हाँ जी, तकरीबन 4 साल। हाँ, 4 साल। हाँ, हाँ जी। और मैं आपको बताता हूँ, आपने जो टेस्टामनी बताया आपने, इन्होंने लिखवाया कि जब जी 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तो जब स्कूल से घर आए तो आपके घर वालों ने आपके सिर में लोहे की 5 चीजें, ऐसे कुछ लोहे की अलग अलग 5 चीजें सिर में आपके रखी हुई देखी, और साथ में एक सूत, एक धागा जो 11 ऐसे गांठे लगाई हुई थी, है ना, गांठे ऐसे बंधा हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब आपके घर वालों ने साढ़े पड़ोसी पंडित जी से ते उन्होंने दिखाया, जो असी जाके वो कहते भी कोई गल नहीं, भी जो किसी ने किया है तो कन्या देवी का फिर अपने आप ही भरन गए, भी तुसी ना पानी से सिट दो ही सारा समान। वो सारी चीजा मेरी मदर ने पानी से सिट दी, पानी सट दी, ठीक है। पर उसके बाद आपको लिखा, उसी रात आपके जिस बेड पर आप सोते थे, जो चारपाई थी, उस रात ही वो बहुत हिला, बहुत ज्यादा हिलिया, उसी रात ऐसे हिला, उसी रात, हाँ जी, है ना। उसके बाद आपने फिर लिखवाया कि आपके बॉडी पर नील पहने शुरू हो गए, हाँ जी, फिर दबा पहना शुरू हो गया, हाँ जी। पहला जानी इन्ना महसूस नहीं ना किया, भी शुरू शुरू से भी पता नहीं की हैगा, फिर वो तकलीफ जा फिर थोड़ी बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर उन्हें मेरे दबाव पाना शुरू कर देता, दबाव पहना, और बॉडी पर नील भी पहने, गला गला घुट देना, बाजू मेरी घुट देनी, ते उस तो बाद मेरी लत्तां बिल्कुल मैं जकड़ जाते से, तो वो मैं लड़ाई बहुत करती सी उस चीज़ ना, भी तू है कौन, तू रब नालों वड्डी है, तू मेरे सामने आ, मैं तू छड़ना नहीं, तो पर मैं चीज छड़ते नहीं, जिन्ना मर्जी मैं सिमरन करी जावा, पाठ करी जावा। ओके, और उसके बाद फिर आपकी इसी हालत में आपकी एज भी बढ़ गई, आप एज आपकी ज्यादा हो गई, और फिर आपकी मैरिज हुई, और मैरिज के बाद भी ये तकलीफ ऐसे थी, हाँ, और जिसके लिए आपकी जब तकलीफ ज्यादा बढ़ गई तो फिर आपने डॉक्टरों से भी बहुत सारा इलाज कराया, हाँ, बहुत मेडिसिन खाई। सब तो पहला तो असी पंडित पाध्यां दे भी बहुत गए सी। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत लखां रुपया दे हिसाब उन्होंने दिता। कितने 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 लाख रुपया बाबा जितने भी किसी ने बोलना, 11,000 दो, 6,000 दो, 5,000 दो, टोटल कितना आपने सामान कभी लिखा देना, कितने कितने इतना सामान लेके आओ, देसी घी लेके आओ, जे लेके आओ, वो लेके आज आप हम चाहे खाएं ना खाएं उनको दे देते थे, देसी घी लाके सब कुछ सामान बढ़िया बढ़िया लाके। आपने आपने लिखवाया कि आपने जो जो पंडित बाबा जी, जो सयाना बाबा जो भी हैं, कम से कम आपने 50 से 60 लाख रुपया तक इन्हीं चीजों पर खर्च कर दिया। बहुत, हाँ जी, हाँ, बेअंत जानी, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसकी गिनती कोई नहीं। हाँ जी, प्लस आपने ये भी लिखाया कि 50-60 लाख रुपया मैंने तांत्रिक बाबाओं को दे दिया, और प्लस 40 लाख के करीब करीब आपने मेडिसिन, मतलब अब करोड़ रुपए के करीब करीब अपने जीवन के लिए, हाँ, अच्छा होने के लिए आपने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। हाँ जी, क्योंकि घर दे बहुत परेशान से कि भाई किसी ना किसी तरह ठीक हो जाए, किसी ना किसी तरीके, हाँ, से आप सही, हाँ, हो जाए, पर फिर भी अच्छे, हाँ, ठीक नहीं सी हुंदे, पहले घुटनियां दे ऑपरेशन कराने पे दोने, फिर मिटे, उस तो बाद गिट्टे ओने स्क्रू पै गए। अच्छा, नहीं नहीं, आपने, हाँ, कुछ मैं आपको बताता हूँ। फिर आपने लिखाया कि आप फिर आपको दौरे और मिर्की ऐसे ये रोग हो गया। हाँ जी, फिर वो मैंने थोड़े दौरे पैने शुरू हो गए, उसके लिए, हाँ, फिर दो भी बहुत हुन तक पैसा लगा रहे थे, बहुत पैसा लगा, हाँ, रहे थे, हाँ जी। और उसके बाद आप 2018 में आपको किसी ने गुड न्यूज दी, हाँ जी, और आप चर्च गए पहली, हाँ, बार, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, मैं जदों थी प्रभु भी चाहिया ना, ते उस तो बाद मैं जाने बहुत ज्यादा ठीक हाँ, उससे आप ज्यादा ठीक हो, हाँ जी। पर आपने बताया कि जब 2018 पे आप चर्च गए, उसके बाद आप
फिर जब आप घर में घिर पड़े और आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। हाँ जी। हाँ हाँ जी। और फिर दोनों पैरों के गिट्टे भी वो भी देख। एक साल तक आप बेड पर रहे। हाँ जी। हाँ। और उसके बाद आपका चर्च बंद हो गया और फिर आप जो अपनी धार्मिकता करते थे फिर आप वहां पे गए वापस उनके पास। धार्मिकता तो शुरू तो बचपन तो धार्मिकता च रही हैं। okay, इन्ना कुछ होंगे होंगे बाप जी भी पता नहीं ताही परमेश्वर ने हूं तक बचा के रखे। ठीक है जी। धार्मिकता वालों तो असं पिछे हटे नहीं कदी क्योंकि साढ़े घर का रूल से यही। हूँ मैं जदों भी प्रभु बच्च आई हाँ तो उस बाद हूँ मैं बहुत ज़्यादा शांति भी है क्योंकि जदों के मैं अपने प्रभु के दास रंजीत रोबिन जी के बचना के द्वारा जो कुछ मैं कब से आप इस मिनिस्ट्री से जुड़े हो? कितना टाइम हो गया आपको? हाँ जी। कितना टाइम हो गया इस मिनिस्ट्री के साथ आपको जुड़े हुए? जुड़े हुए मैं वैसे याद तकरीबन हो गए 2-3 साल लगा लो ढाई 3 साल। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी। मुझे याद है। हाँ जी। जब आपने हमारी मिनिस्ट्री में कॉल की थी तब आप ऑस्ट्रेलिया में थे। हाँ जी। आप ऑस्ट्रेलिया में थे तब और अपने यूट्यूब पर मैंने एक छोटी वीडियो ऐसे क्लिप डाल रखा था हमने। उस वीडियो क्लिप में पॉजिटिव विश्वास और नेगेटिव विश्वास के बारे में मैंने कुछ बताया था और उस क्लिप को उस वीडियो को आपने सुना है ना। हाँ, हाँ। जिसको आपने सुनकर हमारी मिनिस्ट्री में कॉल की है ना सबसे पहले और फिर मेरे से आपकी बात हुई। ये कम से कम जब आपने कॉल की ये करीब करीब 1.5 साल के करीब हुआ। हाँ, क्या है? 1.5 साल। और जब से आप 1.5 साल से जुड़े हो बोलो क्या अब आप कैसे हो? हाँ जी। अब मैं बहुत ठीक महसूस करती हूँ। नहीं तो मैं बिल्कुल भूल रहे हो। हाँ जी बिल्कुल। घर से मैं रह नहीं सकती कल्ली तो उस तो बाद हूँ मैं जिस तरह मर्जी घर में मैं कोई नहीं है चाहे कोई भी घर से ना हो नहीं तो बहुत मैं लाइट जगा के बहुत वड्डी फिर भी मेरा मन दहलता रहता सी पता नहीं की हो जाना भी रात आ गई तकरीबन मैं रात को भी जागते रहते कि मैं फिर वो चीज़ फिर फड़ ना लवे मुड़ के पर हूँ जदों से मैं हाँ जी हूँ मैं कोई लाइट नहीं जगाती तो अपने पास प्रभु यीशु मुझे याद करके प्रेयर करके उन्होंने आराधना करके मैं आराम ना घर में रहनी हूँ दिन रात। और एक चीज़ अपने और लिखाई कि जैसे आप 4 साल से प्रभु में और 1.5 साल से इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हो और इस मिनिस्ट्री से जुड़ने के बाद भी आपके एक घबराहट रहती थी आपके मन में और कोई टेंशन नहीं किसी भी चीज़ की और आपका ऐसे मन रोने को करता और आप ऐसे लगता था रोते रहते थे। हाँ जी। हाँ बहुत ज़्यादा से जो तो मेरे हस्बैंड की डेथ होने तो बाद समझ लो तो बस सोचते रहना हर टाइम। और नहीं आपने लिखवाया ना कि आप ऐसे हर बार ऐसे हर वक्त आपके आपका मन करता था मैं रोती रहूँ। हाँ जी। और आप रोते रहते थे। हाँ जी। बिना किसी वजह से। हाँ जी। आप रोते रहते थे। हाँ जी। हाँ हाँ जी। मेरी तकलीफ देख के सो मेरे बच्चे भी बहुत परेशान से। सुनो चाहे ये इस मिनिस्ट्री से जुड़ भी गए और हमने बहुत कुछ सिखाया और समझाया पर इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। परमेश्वर ने बाकी दुखों से तो इन्हें हील किया ही किया अच्छा किया है। क्या किया? क्योंकि ये जो इनकी प्रॉब्लम है ये जो आप वॉकर देख रहे हो आपने अभी इनकी सब प्रॉब्लम को सुना क्योंकि इनकी घुटनों में प्रॉब्लम आ गई और इन्होंने उसका ऑपरेट कराया और फिर से इनकी जो पैर का जो गिट्टा है जिसे हम बोलते हैं वो फ्रैक्चर हो गया। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रही थी और ये इनकी बॉडी में ये जो गैंठिया की आपको प्रॉब्लम थी ये कब से की? काफी हाँ जी तकरीबन 2002 तो कितने जी अपने अटैक होते थे ना मेरे थे 2002 तो। हाँ जी 2002 से ये बीमारी आपकी बॉडी हाँ में थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी आपकी जो मेन प्रॉब्लम है जो घबराहट रहती थी जो आप रोते रहते थे हाँ उससे आप फ्री हो? हाँ जी। अब आपका मन पूरा शांत है? हाँ जी ठीक है। किसी तरह की कोई घबराहट? हाँ जी। हाँ नहीं। और आज आप क्यों आए हो?
मैं अपनी गवाही देने के लिए आई हूँ और बपतिस्मा लेने आई। तारीफ करो इस बात के लिए। ये तीन पीढ़ियों से अपनी धार्मिकता में, तीन पीढ़ियों से, जैसे हर बंदा अपने धर्म में अपनी अपनी धार्मिकता करता ना, क्या करता है, ये तीन पीढ़ियों से अपनी धार्मिकता कर रहे हैं। पर आज परमेश्वर ने पूरी तरह, जब जी मिनिस्ट्री से हमारी से जुड़े तो अभी भी, चाहे उन्होंने प्रभु को जान भी लिया पर फिर भी ये साथ साथ वो अपनी धार्मिकता कर रहे थे। पर मैंने बहुत चीजें इनको सिखाया, समझाया, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, और आज ये पूरी तरह क्लियर है। और आज इनकी एज कम से कम 72 बताया था आपने, 72 इनकी एज 72 साल हो गई है और अभी आए ये बपतिस्मा लेने के लिए आए। क्या लेने के लिए आए? बपतिस्मा। पता नहीं ना लग्या असली सच्चाई का, पता ही नहीं लग्या हुन तक। हाँ पछताने भी इन्नी देर पहला क्यों नहीं पता लग्या, वैसे पहला क्यों नहीं परमेश्वर विच आए, भी इन्नी लेट आए हैं। हाँ जी, हुन पता लग गया। हर बंदा जो इस सत्य को, इस सच्चाई को समझता है, जो समझता है, जो नहीं उस वो नहीं, जो समझता है, अब ये सोचते हैं कि हम पहले क्यों नहीं आगे, क्या नहीं आगे, 20 साल हमने पहले क्यों नहीं जान लिया। और कुछ लोग कितने मूर्ख हैं, जानकर भी उन्हें नहीं पता कि हमने क्या करना है, समझ आ रही है। और आज ये बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं पूरा उद्धार। और मेरा विश्वास है कि जिस रीति से इन्होंने अपना जीवन, अपना मन परमेश्वर को दे दिया है, जो थोड़ी सी तकलीफ है, जो भी है, परमेश्वर उन्हें उससे भी इन्हें पूरी तरह से फ्री कर चुका है। तारीफ करो इस गवाही के लिए। कोई ओ देवर के बल पे कम नहीं कर सकता।